जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, सीजीएल, ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम जो है एसएससी कंडक्ट कराती है, उनके रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों रिसेंटली जो है एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, तो मैं जो है चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपको जो है एसएससी लिख के सर्च कर लेना है। एसएससी लिखने के बाद दोस्तों जो है पहले नंबर पे जो साइट आती है, तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो आपको देखिए जो है https जो है ssc.nic.in वाली वेबसाइट जो है होनी चाहिए, तो इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पहले नंबर पे आपको अपना जो है यूजर नेम यानी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, और दूसरे में पासवर्ड। ये दोस्तों जब आपने जो है फॉर्म भरा होगा किसी भी जो है शॉप से, ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्म की जो है पीडीएफ दी होगी या फिर प्रिंट करके एक प्रिंट आउट दिया होगा, तो उस पे दोस्तों जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और पासवर्ड भी जो है वो लिख कर दे देते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालना रहेगा, ठीक है, और दोस्तों जो है ओटीपी आएगा, उसके बाद एक नया पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, तो आप जो है वहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो मुझे जो है पासवर्ड पता है, तो मैं आपको जो है लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने जो है इस पे वीडियो बना दिया कि फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिल कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मैंने कॉपी किया हुआ है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। अब दोस्तों पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, ठीक है, तो इस कैप्चा कोड को आपको ध्यान से देखना है, और जैसे ही लिखा इसमें स्मॉल में कैपिटल में, तो आपको सेम उसी फॉर्मेट में लिखना है, अदरवाइज जो है कैप्चा कोड गलत बताएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर्मेट में लिखा है तो मैं वैसे लिख लेता हूँ। स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, नहीं तो जो है कैप्चा कोड रॉन्ग बताएगा। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कुछ इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रिजल्ट दोस्तों रिजल्ट के लिए आपको देखिए यहाँ पे एक दिखेगा रिजल्ट और मार्क, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। रिजल्ट और मार्क पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है आपको सिलेक्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे जो है ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है और जिस भी ईयर का दिया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों जो है अभी 2023 वाला दिया था, बट यहाँ पे 2024 दिखा रहा है, क्योंकि 2024 में जो है रिजल्ट आया है। तो मैं सिंपली जो है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा, तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं आ गया है, ठीक है। देखिए मैं सिद्धार्थनगर का हूँ और यहाँ पे मेरा रिजल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों जो है मेरा जो है रॉ स्कोर 112 था, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मुझे 120 नंबर मिला है। बट दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ इस बार जो है इतना ज़्यादा हाई गया है कि 120 नंबर पे भी जो है रनिंग के लिए जो है पीएचडी के लिए मुझे नहीं बुलाया गया है, ठीक है, तो मुझे और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मेरा जो है इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में 28 जो है नंबर है लगभग, और 15 नंबर जो है जनरल अवेयरनेस में है। थोड़ा सा मुझे जो है जीके में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी मैथ में मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 14 ही सही है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से मेरा जो है थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है उसका सलूशन बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।